सबसे पहले प्रणाम है, सबसे पहले प्रणाम है आप सभी को नीलू सिंह की तरफ से, नाम तो पता चल ही गया, और मैं हूँ रायबरेली यूपी से। अब आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम मेरा, और मेरा नाम गुलशन कुमार है। आप पूछ सकते हैं जो पूछना चाहिए। किस तरह की फिल्म है ये, क्या सब्जेक्ट है फिल्म का और क्या किरदार निभाने वाले? इसमें मैं एज अ लीड हूँ, और स्टोरी अभी कुछ पता नहीं है, मैं भी अच्छा ही होगा। एंड इसमें मैं भी लीड कर रहा हूँ, और वो जिसमें किरदार है एक जैसे लफेरी टाइप का होता है, उस टाइप का किरदार है, और उससे फिर मतलब सीरियस भी है उसमें करेक्टर, तो स्टार्टिंग करेक्टर है। नहीं, इससे पहले मैंने अभी 21st अप्रैल को बिटवा बाहुबली 2 रिलीज हुई है, और जहाँ तक मैं सुन रही हूँ कि वो बिहार में अभी तक चल रही है। बस दर्शकों से गुजारिश है कि और देखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और बिटवा बाहुबली के बाद मैंने बलवान फिल्म किया है विद विराज भट्ट जी के साथ, और मेरी टाइटल फिल्म है लाजो, जिसकी मैं शूट छत्तीसगढ़ से करके आई हूँ, और बहुत जल्द आप सभी के सामने मैं लाऊंगी। नहीं, इससे पहले भी मेरी 2 फिल्में हैं जिसमें मैंने लीड नहीं किया था, ये लीड मेरी पहली फिल्म है, वो सेकंड लीड किया था उसमें। भोजपुरी फिल्म के लिए मतलब कैसे समझा नहीं, मतलब कहा जाता है कि मतलब गाने जो होते हैं जो होती है उनमें थोड़ा सा गंदगी होता है। OMG, बिल्कुल नहीं, लोग यहाँ से गंदा सोचेंगे तो डेफिनेटली उनकी गंदी सोच आएगी, जब यहाँ से वो अच्छा सोचेंगे तो उन्हें सब कुछ अच्छा दिखेगा। मैं इतना ही कहूँगी, कोई चीज़ गंदा नहीं होता, इंसान की सोच गंदी होती है, देखने का नज़रिया गंदा होता है, दैट्स इट, सब गंदा है। जो आप बोल रहे हैं वो ये कुछ फिल्म में नहीं है, ये सबसे हटकी फिल्म है, और ये जो भोजपुरी फिल्म बिहार एक्सप्रेस से जो आज इसकी मुहूर्त हो रही है, सबसे हटकी और इंडस्ट्री, और आने के बाद पता लोगों को चलेगा कि क्या फिल्म होती है भोजपुरी में। बिल्कुल, मोनालिसा जी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारी अक्षरा दी भी बहुत ही अच्छी हैं, सब आर्टिस्ट अच्छे हैं, मेरे लिए मैं सबसे प्यार करती हूँ, और बिग बॉस में कौन नहीं जाना चाहेगा, सभी जाना चाहेंगे। वेलकम। जी, तो मेरा नाम मुस्कान चोपड़ा है। अभी तो मुझे फ़िलहाल संजय सर का मुझे मैसेज आया था इस फिल्म के बारे में, मैं ये भी नहीं जानती डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बस ऐसे एक मेहमान की तरह आई हूँ, एक गेस्ट बन के बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं एक्ट्रेस हूँ सर। हाँ जी, मैंने 6 मूवी मेरी कंप्लीट है, अभी एक ज्वाला में भी मैंने काम किया था, और मेरी आने वाली फिल्म हमारा जो सुपरस्टार बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो किस मुकाम की सपने तो बहुत बड़े हैं सर। बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने का सपना है, बस ऊपर वाली की दुआ से पूरा होता है। भोजपुरी में एक्ट्रेस में तो सब अच्छी हैं, मोनालिसा जी अच्छी हैं, रानी चटर्जी अच्छी हैं, सारी एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, काजल राघवानी जी भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं। खोलो ना पहले, ये विजुअल है ना पहले।